ज़्यादातर लोग मोबाइल में अपनी फाइल सिक्योर रखना चाहते हैं, यानी कि हाइड रखना चाहते हैं। लेकिन अगर वो कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ज़्यादातर ऐप में ऐसा लिखा रहता है कि ये वॉल्ट ऐप है। तो किसी को भी पता चलता है अगर वो वॉल्ट ऐप पे टैप करते तो पासवर्ड पूछा जाता है। तो सिंपल है, किसी को भी पता चलेगा कि आपके मोबाइल में कुछ तो फाइल हाइड है। लेकिन आप ऐसा चाहते हो कि आपके मोबाइल में आप कोई फाइल हाइड करे लेकिन किसी को ये भी ना पता चले कि वो कौन से ऐप के अंदर हाइड है, क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। आज का वीडियो मोबाइल टिप्स का लेके आया मैं आपके लिए ऐसा एक ऐप्स जिसके अंदर आप अपनी फाइल हाइड तो कर सकते हैं लेकिन किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कोई फाइल हाइड है। कैसे? तो चलिए देखते हैं ये मोबाइल टिप्स। दोस्तों मैं सतीश, कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो आपको करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने कहा आपसे कि हम अपने मोबाइल के अंदर कर सकते हैं फाइल हाइड, और वो भी किसी को बिना बताए, यानी किसी ने अपना मोबाइल लिया तो उनको नहीं पता चलेगा कि इसमें कोई फाइल हाइड है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए, और प्ले स्टोर पर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको सर्च क्या करना है। क्लॉक हॉल्ट, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा था, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्लॉक हॉल्ट। जैसे आप टाइप करोगे क्लॉक द वॉल्ट सीक्रेट फोटो वीडियो फोटो एंड वीडियो ऐप, तो ये जो ऐप है इसके ज़रिए हम करने वाले हैं हमारी फाइल लॉक और या हाइड, वी कैन से दैट। बट ये कैसे होता है, चलिए यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नीचे इंस्टॉल ऑप्शन आ रहा है, तो इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक लगभग 5 MB का सॉफ्टवेयर, क्विकली इंस्टॉल हो जाता है, और इसका रेटिंग जो है 4.5 है, 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड है, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया दोस्तों, ऐसे ही नहीं रिकमेंड किया। तो चलिए अभी यहाँ पे ओपन करके देखते करना कैसे फाइल को हाइड या लॉक जो भी है। तो यहाँ पे एक मैसेज आया आपको, अलाउ हॉल्ट टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो, अलाउ कर दीजिए इसे। फिर अलाउ हॉल्ट टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स, ये ज़रूरी नहीं है, आप डिनाई करेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अलाउ करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे लेट स्टार्ट आ रहा है। लेट स्टार्ट के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपल है, आपको पहले टाइम सेट कर लेना है। टाइम सेट कर लेना है कि आपको एक पासवर्ड सेट करना है जो कि आपको लॉक करने के लिए यूज़ करना है आपकी फाइल्स को। तो फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सेट 11:45, आप कुछ भी टाइमिंग ऐसा सेट कर सकते। ये जो मिनट है यहाँ पे मैंने रख दिया 45 पे, और हावर्स है यहाँ पे मैंने रख दिया 11, तो 11:45 ये मेरा पासवर्ड है। बीच में मैं टैप करूँगा, बीच में यहाँ पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे लिख के आ रहा है रिपीट योर पासवर्ड अगेन एंड प्रेस सेंटर बटन टू कंफर्म। तो चलिए मैं वही करता हूँ, दोबारा मेरा पासवर्ड सेट करता हूँ, सेम पासवर्ड मुझे सेट करना होगा, 45 पे ही सेट करना है दोस्तों, और यहाँ पे मुझे करना होगा 11:45 होने के बाद बीच में टैप कर देना है। जैसे आप टैप करोगे आपको एक ईमेल आईडी पूछा जाएगा पासवर्ड रिकवरी के लिए, ये ज़रूरी देना, अगर आप पासवर्ड भूल गए तो इस ईमेल आईडी के ज़रिए आप रिकवर कर सकते हैं। तो एक ईमेल आईडी तो यहाँ पे दीजिए, आप कंपल्सरी है दोस्तों। यहाँ पे फिनिश सेटअप कीजिए, जैसे आप फिनिश सेटअप करते हैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा यहाँ पे ऐड फाइल्स के लिए ऑप्शन आ चुका, हाइड फोटो वीडियो ऑडियो एंड अदर फाइल्स फ्रॉम हियर, यस क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा आप नया फोल्डर बनाना चाहते हैं, कैमरा में से फाइल लेनी है, अदर फाइल्स लेनी है, इंपोर्ट ऑडियो इंपोर्ट वीडियोस इंपोर्ट फोटोज, तो आप कोई भी यहाँ पे टैप कीजिए। जैसे मैं अभी फ़िलहाल चलिए फ़ोटोज़ पे टैप कर देता हूँ। फ़ोटोज़ पे टैप करने के बाद यहाँ पे कैमरा या कुछ भी ले सकते हैं आप, कैमरा लेता हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ है, जैसे मुझे ये कर देना हाइड और ये कर देना हाइड, चलो दो फ़ोटोज़ मैं यहाँ पे हाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस फोटो के ऊपर टैप कर दिया, मतलब सेलेक्ट कर दिया इनको, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लॉक का राइट कॉर्नर में जो बटन है उस पर आपको टैप कर देना है, और टैप करने के बाद वो पूछेगा आपको चूज इंपोर्ट फोल्डर, मतलब आपको ये लॉक फाइल्स कहाँ पे मूव करनी, ये फाइल यहाँ से दरअसल मूव होती है वहाँ पे, तो यहाँ पे रहने वाली है नहीं इस फोल्डर के अंदर जहाँ से आपने ओपन किया अभी। तो क्रिएट न्यू फोल्डर करो, या फिर लॉक का जो पिक्चर्स फोल्डर है, लॉक का अपना एक फोल्डर है पिक्चर्स देन वीडियोज और अदर फाइल्स, तो क्लॉक लॉक का ये जो पिक्चर्स फोल्डर है उसमें हम स्टोर करना चाहते हैं। चलिए टू फाइल्स सक्सेसफुली मूव टू फॉल्ट, अगर मैंने वहाँ पे टैप कर दिया तो यहाँ पे इस तरह से मैसेज आएगा टास्क कंप्लीट ओके। यहाँ पे इसमें पिक्चर्स करके फोल्डर है, तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं पिक्चर्स टू पिक्चर्स में पिक्चर्स लॉक हो चुके। आप वैसे वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं, अदर फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं, ऐड बटन पे क्लिक करना है सिंपली, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जो फाइल चाहिए वो ऐड कर सकते हैं आप सिंपली। तो ये इस तरह से काम करता है दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसे एग्जिट करने के लिए, चलिए मैं दो बार बैक पे टैप कर देता हूँ, क्लिक बैक अगेन, और यहाँ पे इस तरह से ये क्लॉक नज़र आएगा दोस्तों।
तो जैसे आपका कोई भी मोबाइल लेता है तो नॉर्मली वो एप्लीकेशंस अगर चेक करने जाता है तो यहाँ पे तो क्लॉक दिखाई दे, वो अगर क्लॉक स्टार्ट कर देता है तो उसको क्या मिलने वाला है, क्लॉक मिलने वाला है दोस्तों जनरली। तो उसको नहीं पता चलेगा कि भाई ये कोई सीक्रेट ऐप है, सिंपल है। तो यहाँ पे आपको अगर वो फाइल देखनी तो बीच में आपको टैप करना है और फिर से आपको आपका पासवर्ड रख देना है। बीच में टैप करने के बाद ये जो पहला पासवर्ड मतलब टाइमर था वो लगा दिया, बीच में फिर से टैप कर दिया, आपको फाइल्स मिल जाएगी। आप इसे बैक करेंगे और बैक करने के बाद दोबारा आप देख सकते हैं ये क्लॉक चालू है। नॉर्मली जो आपका मोबाइल लेके ऐप देखने की कोशिश करेगा और उसमें वो देखेगा अरे ये तो क्लॉक ऐप है भाई, तो क्लॉक ऐप में क्या कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पे सेटिंग्स का जो आइकॉन दिखाई दे रहा है उस पर टैप कीजिए, उसमें आपको और भी ऑप्शंस मिलने वाले हैं। जैसे आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, अनलॉक विद फिंगर करना चाहते, क्लॉक ऐप प्रोटेक्शन मतलब अनइंस्टॉल से प्रोटेक्शन करना चाहते, अनइंस्टॉल होने नहीं देना है आपको इसे, फेक पासवर्ड तैयार करना चाहते, पासवर्ड रिकवरी ईमेल तो चेंज करना चाहते ऑलरेडी है वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी है, एडवांस सेटिंग्स भी दिए, क्लॉक साउंड भी दिया है एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। एडवांस सेटिंग में एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चेंज आइकॉन ऑप्शन आ रहा है, मतलब ऐप का आइकॉन अभी क्लॉक का आ रहा है। आप चाहते हैं कैलसी या वायरस या वीदर या म्यूज़िक का रखें, तो अगर आप चाहते हैं म्यूज़िक का तो म्यूज़िक का रखेंगे, टैप करेंगे म्यूज़िक के ऊपर, बैक करेंगे और बैक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलो मैं इसे बैक कर देता हूँ, एग्ज़िट कर देता हूँ। और एग्ज़िट करने के बाद पूरा क्लॉक एग्ज़िट कर दिया मैंने। अब ये ऐप यहाँ से गायब हो चुका है जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन क्यों, इसलिए क्योंकि उसका नाम अभी क्लॉक नहीं है, उसका नाम म्यूज़िक है। मुझे देखना पड़ेगा म्यूज़िक में, चलिए मैं ऐप सर्च कर देता हूँ यहाँ पे, मेरे इसमें सर्च का ऑप्शन है ऐप का, तो मैं म्यूज़िक करके ऐप सर्च करूँगा तो यहाँ पर म्यूज़िक मुझे ऐप मिल रहा है। मैं इस पर टैप करता हूँ तो ये अंदर क्या आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है, अंदर क्लॉक की तरह काम करेगा लेकिन बाहर उसका आइकॉन म्यूज़िक की तरह रहेगा। तो उम्मीद है आपको ऐप पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लेके आऊँगा ऐसी मोबाइल की टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए, बने रहिए कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल के साथ।